इससे पहले कि आशीर्वचन के लिए प्रोफेसर नामवर जी से निवेदन करूं, मैं आप सबकी ओर से इस संगोष्ठी के परिकल्पक प्रोफेसर दिलीप सिंह जी से एक मिनट के लिए निवेदन करता हूं कि वो कितने संतुष्ट हैं ये तो हमें बता दें, ताकि हमें लगे कि हमारा परिश्रम सार्थक है कि नहीं। मंचस्थ साथियों, सभा कक्ष में उपस्थित मेरे मित्रों और छात्र छात्राओं, ऋषभदेव जी के इस आग्रह पर मैं केवल ये भी कह सकता हूं कि मैं बहुत संतुष्ट हूं। लेकिन माइक पर आने के बाद ऐसा हो नहीं पाता। अभी कट्टीमणि जी ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, आप सब हमारे साथ थे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शमशेर के बहुआयामी व्यक्तित्व, उनके अपने भी व्यक्तित्व, जो उनका निजी व्यक्तित्व है, और उनका कवि या लेखक का जो व्यक्तित्व है, वो इन दो दिनों में काफ़ी खुलकर हमारे सामने आया है। कई ऐसी चीज़ें आई जो बहुत नई भी हैं, उन पर हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो काम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम लोग कल से कह सुन रहे हैं और हमारे जितने वरिष्ठ मेहमान हैं, सबकी इच्छा है कि शमशेर के बहाने जो हिंदी उर्दू के बीच एक सेतु बना है, उस सेतु को बहुत बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। और इसके बहुत से रास्ते उर्दू हिंदी दोनों के साहित्य में खुले हुए हैं, केवल उन रास्तों को पहचानने की, उन पर चलने की ज़रूरत है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं, और ये सभी को लग सकता है, लेकिन मुझे एक अलग तरह से वो लग रहा है, नामवर जी के आ जाने से, बहुत चालू मुहावरा है, इस संगोष्ठी को चार चांद लग गए। उन्होंने जिस तरह से इस संगोष्ठी में शिरकत की, दिल्ली में मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं कि अब नामवर जी बहुत कम बोलते हैं, कहीं भी 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलते। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर नामवर जी 10-15 मिनट भी बोलते हैं तो समझिए उसमें आपको एक सागर मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपने देखा, और आज वो उसके लिए थोड़े शर्मिंदा भी हो रहे थे कि मैंने बहुत समय ले लिया, शायद 40-45 मिनट वो बोले। कल भी काफ़ी तफसील से उन्होंने अपनी बातें कहीं, पता नहीं वो हैदराबाद की मिट्टी का असर था, हिंदी उर्दू के इस संगम का असर था, या हम सबके प्रेम और स्नेह का असर था। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गंगा प्रसाद विमल जी हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं और एक बड़े युवा की तरह रहते हैं। उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें कहीं इस गोष्ठी में, आप सब ने उससे सबक लिया होगा, हमारे बहुत से मित्र आए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है कि इस मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय, जो उर्दू की एक राष्ट्र में बड़ी संस्था है, इसके अपने कुछ ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए, और एक बड़ी ही पुरानी संस्था गांधी जी की स्थापित की हुई दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दलवी साहब बार बार हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे और मुझे बार बार गांधी जी याद आ रहे थे, क्योंकि हमारी जो संस्था है उसका जो शुरुआती नाम था वो हिंदुस्तानी प्रचार सभा। तो ये बड़ी बात इस गोष्ठी से निकल के आई कि उसके बीच में हमें संबंध बनाना चाहिए, और मैं समझता हूँ इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से जो ये काम हुआ है,
और इसके पीछे जो एक बड़ा सद उद्देश्य है, इसकी आवाज़ ज़रूर बहुत दूर तो तक तो न शायद पहुँचे या पहुँच भी जाए, लेकिन कुछ दूर ज़रूर पहुँचेगी, ये हम सबको विश्वास है, यकीन है। और कुछ दूर भी पहुँचती है तो मैं समझूंगा कि हम लोगों का ये जो श्रम है ये सफल हुआ। मैं आप सबका भी अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, इस विश्वविद्यालय की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जो प्रोफेसर कट्टीमणि ने पर्चों के आपको विवरण दिए, उससे बहुत साफ है कि शमशेर की बहुत सी गुत्थियाँ या उनके बारे में जो बहुत सी गलतफहमियाँ फैली हुई थीं, और जो एक कम जानकारी का जो एक माहौल था वो पूरी तरह कम हुआ है, टूटा है, और हम शमशेर को शायद इस गोष्ठी के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह पहचानने लगे हैं। और ये पहचानना ही शमशेर को, मैं समझता हूँ, इस संगोष्ठी की फ़िलहाल बहुत बड़ी सफलता है। नमस्कार।